लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को एक बड़ा झटका लगा और 400 पार का नारा देने वाला एनडीए 300 पार के लिए भी तरस गया और रुझानों के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि देश में गठबंधन की सरकार ही बनेगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा, साथ ही महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 4 जून को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न जो कराया है। साथ ही करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनों के सहारे किया गया है, जो कि संपन्न रहा। भारत की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव के पूरे सिस्टम पर हर भारतीय को गर्व है। मैं इन्फ्लुएंसर्स को भी कहूंगा कि ओपिनियन मेकर को, साथ ही भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की ताकत है, यह अपने आप में बेहद ही गौरव का विषय है। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है और ऐसे उत्साह में एनडीए के यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यालय में भी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाते हुए साफ नजर आए हैं। और किस तरह से उत्साह रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। और उसके बाद क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले इन रुझानों के बाद के स्पष्ट नतीजों के लिए, सुनिए आप भी। नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है।